गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, इट इज़ योर जीके क्लास। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 46। चैप्टर नेम इज़ मॉडर्न कम्युनिकेशन, मीन्स आधुनिक संचार के साधन। संचार के साधन जो तो आप जानते ही होंगे कि संचार के साधन क्या होते हैं, जिससे हम जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे संपर्क में रह सकते हैं। Now let's start the chapter. Getting in contact with people has never been easier with the long list of ways in which we can stay connected right at our fingertip. Means लोगों के संपर्क में रहना या उन तरीकों को जो कि एक लंबी लिस्ट होती है आसान नहीं रहा, जिसमें हम अपनी जो हमारी उंगलियां होती हैं उसके जरिए जुड़े रह सकते हैं अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से। These devices can be used from just about anywhere at any time to get in touch with your audience. ये जो डिवाइस होती हैं, जो उपकरण होते हैं, उनका उपयोग आप टच में रहने के लिए किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी जगह किसी भी समय इनको डिवाइसेस का यूज़ करके अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हेयर आर मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज फॉर मॉडर्न कम्युनिकेशन। यहाँ पर कुछ कॉमन मॉडर्न डिवाइसेस हैं कम्युनिकेशन की, जिनके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है आपका स्मार्टफोन्स। द वर्ल्ड सॉ द फर्स्ट हैंड हेल्ड मोबाइल फोन बैक इन 1973, बट इट इज वाज नॉट अंटिल द अर्लियर 1980 दैट दे वर मोर वाइडली अवेलेबल। दुनिया ने 1973 में पहला हैंड हेल्ड मोबाइल फोन देखा था, लेकिन 1980 में यह व्यापक रूप से उपलब्ध हुआ। मोटरोला डेवलप्ड द फर्स्ट हैंड हेल्ड डिवाइस विच वेटेड ओवर अ किलोग्राम एंड वॉज रफली द साइज ऑफ अ ब्रिक। इट ऑफर्ड ओनली 30 मिनट्स टॉक टाइम एंड टुक 10 आवर्स टू रिचार्ज। मोटरोला जिसने कि पहला हैंड हेल्ड डिवाइस विकसित की, जिसका वजन लगभग 1 किलोग्राम से भी अधिक का था, लगभग एक जो ईंट होती है उसके आकार का था। इसमें केवल 30 मिनट का ही टॉक टाइम होता था, और जो पेशकश की गई थी 30 मिनट्स के टॉक टाइम की ही थी, और इसको रिचार्ज करने में 10 आवर्स 10 घंटे का समय लगता था। टुडेज देयर आर ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन स्मार्टफोन्स यूजर्स। आज जो है लगभग 2.5 बिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं। These devices have a range of ways in which you can communicate, such as text, voice call, video call, and email. They also enable you to gain access to the internet as well as various other tools such as camera, videos, recorders, and a multitude of apps. इन उपकरणों में कई तरह के फीचर्स होते हैं, जिसमें आप पाठ, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और ईमेल जैसे संचार कर सकते हैं। वे अपने इंटरनेट तक पहुंच तक प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। साथ ही साथ ये कई अन्य उपकरण जैसे कैमरा, वीडियो रिकॉर्ड और एप्स की भी इनमें भीड़ लगी होती है। स्मार्टफोन ग्रोथ इज स्टिल ऑन द अप विद millions of devices being sold every year. With so many people with these handsets as their fingertips, it is no surprise that mobile search has now surpassed desktop. हर साल लाखों devices बेचे जाने के कारण स्मार्टफोन है उसकी वृद्धि अभी भी जारी है। जो अपनी उंगलियों पर इन हैंडसेट के साथ अपने सारे लोगों के साथ, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मोबाइल अब डेस्कटॉप से भी आगे निकल चुका है। नाउ सेकेंड है आपका टैबलेट्स। द फर्स्ट टैबलेट बिगिन टू अपीयर इन 1980, बट इट वॉज रियली अंटिल द फर्स्ट आईपैड वॉज रिलीज इन 2010 दैट टैबलेट्स रियली बिकम मेनस्ट्रीम। द आईपैड सोल्ड ओवर 100 मिलियन यूनिट्स बिटवीन 2010 एंड 2012, बट एप्पल्स मार्केट शेयर ड्रॉप्स द फॉलोइंग ईयर्स ड्यू टू द अराइवल ऑफ एंड्रॉयड टैबलेट्स। टैबलेट्स हैव अ सिमिलर फंक्शनली टू अ स्मार्टफोन बट ऑन ए लार्जर स्केल। पहला टैबलेट 1980 में आया था, लेकिन 2010 में पहला आईपैड जारी किया गया था, जो कि वास्तव में मेनस्ट्रीम बन गए। आईपैड ने 2010 और 2012 के बीच में 100 मिलियन से भी अधिक इकाइयां बेची गई, लेकिन एंड्रॉयड टैबलेट्स के आने के कारण एप्पल की जो हिस्सेदारी थी वो अगले वर्ष गिर गई। टैबलेट में स्मार्टफोन के समान ही कार्यक्षमता होती है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर होती है।
Now laptops. A laptop is a portable computer that comes in a wide range of different sizes. These days, they pretty much have the same functionality as desktop computers, but with the added mounts of being able to carry them around with you. Laptops enable you to use various communications tools as long as you have internet access, such as social media, email, and video chat if he has a back camera. जो लैपटॉप होते हैं वो एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जो विभिन्न आकारों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इन दिनों उनके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह ही बहुत अधिक कार्य क्षमता होती है, लेकिन इसे लैपटॉप को आसानी से कैरी कर सकते हैं। डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं उसको कैरी नहीं किया जाता, लेकिन जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनको ईजिली आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। लैपटॉप आपको विभिन्न संचार साधनों, जब तक कि आपके पास इंटरनेट का उपयोग है, जब तक आपके पास नेट है, जैसे कि सोशल मीडिया, ईमेल और वीडियो चैट आदि, जो जब वीडियो चैट के लिए बैक कैमरा होना चाहिए, का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। नाउ वर्चुअल असिस्टेंट। पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट यूजेस इन ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट, विद गूगल हैविंग रिपोर्टेड दैट देयर गूगल्स होम असिस्टेंट हैज क्वाड्रुपल्ड इन एक्टिव यूजेस ईयर और वन ईयर सिंस इट रिलीज इन 2016। वर्चुअल असिस्टेंट सच एज गूगल असिस्टेंट, सिरी एंड एलेक्सा आर नाउ मल्टी फंक्शनल एंड कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस एंड ईमेल एज वेल एज मेक फोन कॉल थ्रू आइदर योर स्मार्टफोन और स्मार्ट स्पीकर सच एज अमेजोन इको और गूगल होम। जो वर्चुअल असिस्टेंट है, व्यक्तिगत वर्चुअल असिस्टेंट का उपयोग गूगल के साथ तीव्र गति से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गूगल होम असिस्टेंट में 2016 था, वे रिलीज होने के बाद से साल दर साल सक्रिय उपयोग में इसकी जो है बाधा आई। गूगल सहायक सिरी और एलेक्सा जैसे आभासी सहायक अब भी बहुत क्रियाशील हैं और पाठ, संदेश, ईमेल भेजने के साथ साथ अन्य स्मार्टफोन या स्मार्ट स्पीकर जैसे अमेज़न या इको या गूगल होम के माध्यम से फ़ोन कॉल कर सकते हैं। नाउ सर्च द नेम्स ऑफ फेमस मोबाइल फोन्स। यहाँ कुछ फेमस जो मोबाइल फोन्स हैं उनके नेम दिए गए हैं, आपको सर्च करने हैं। आप PDF की सहायता से इसको फिल करेंगे। So I hope you all have understand this chapter. Keep practice and learn also. Thank you.